नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर बातचीत करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आप सबके संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा भूमि घोटाला, या यूं कहें भाजपा का 15,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला, इसके ऊपर हमने कल बात की थी। और आज कुछ और खुलासे और कुछ और नए सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लीपापोती के प्रयास के बाद हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ये 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे के बाद ऑलमोस्ट साइलेंट मोड में चली गई है। ऑलमोस्ट इसलिए कि आज कुछ विस्परिंग हुई है, मैं उसका भी खुलासा करूंगा अभी। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, तुरंत कुछ लीपापोती की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कवरअप करने की कोशिश शुरू कर दी। और कवरअप करने के नाम पर कोई तथ्यात्मक और तर्कसंगत जवाब देने की बजाय एक तुरंत फुरत में कमेटी बना के जांच की और अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करने की प्लानिंग करी है भारतीय जनता पार्टी। अब आप सोचिए, 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मामला है ये, और भाजपा ने 3 लोगों की समिति बनाई है जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक माननीय श्री एस के भंडारी जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर हैं इस समिति में, माननीय श्री यूबी त्रिपाठी जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर हैं इस मामले में, और माननीय श्री दीपक पुरोहित जी हैं जो सीईओ हैं इस पूरे प्रकरण में। त्रिपाठी जी और पुरोहित जी मेंबर हैं और भंडारी जी चेयरमैन। अब आप देखिए कि किस प्रकार से लीपापोती की जा रही है कि यहां भाजपा नेतृत्व पर आरोप लगे हैं, कमिश्नर पर आरोप लगे हैं, और कमिश्नर की जांच करने के लिए एडिशनल कमिश्नर की कमेटी बनाई जा रही है, जिस कमिश्नर के अधीन एडिशनल कमिश्नर आता है वो अपने बॉस की जांच कैसे करेगा, वो अपने सुपीरियर ऑफिसर की, वो अपने उच्चाधिकारी की जांच करेगा, ऐसा सोचना अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन ये मूर्खता नहीं है, साजिश है, ये साजिशन किया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल के ऊपर हमने आरोप लगाए थे, उस आरोप के बाद भी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का क्या हुआ? वो कमेटी भी सिर्फ लीपापोती करके खत्म हो गई। और हमने तब भी कहा था कि जांच मेयर की होनी है, जांच बाकी लोगों की होनी है, तो आप उसके अधीनस्थ कर्मचारी की कमेटी बना के निष्पक्ष जांच कैसे करा सकते हैं भाई? जांच करवानी है सीबीआई से, कराइए कोई कम से कम कहने के लिए ही सही, लेकिन कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कराइए जो सक्षम उन लोगों को तलब करने के लिए। कमेटी बना दी आपने, इस कमेटी की संकृति क्या है? कुछ भी नहीं। कमेटी बनाई आपने, इस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? इनका एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा? कुछ पता नहीं है। लिहाजा यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले को दबाना चाहती है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ नए फैक्ट्स रखता हूं, कुछ सवाल रखता हूं जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खैबर पास का जो जमीन का टुकड़ा है सैकड़ों एकड़ का, वो पार्शनाथ नाम के एक प्राइवेट बिल्डर को दिया गया।
पंचानवे एकड़ के जमीन के इस टुकड़े में हम जानना चाहते हैं कि अब तक कुल कितने फ्लैट्स बन चुके हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है। अब आप सोचेंगे कि ये पार्श्वनाथ बिल्डर से जाके पूछो, यहां क्यों पूछ रहे हो? तो हम बताते हैं क्यों पूछ रहे हैं। जो दूसरा फॉलोअप क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि यह बात सार्वजनिक हो, चूंकि यह मामला अब विवादास्पद है, यह बात सार्वजनिक हो कि इन फ्लैट्स के ओनर कौन कौन है। हम चैलेंज थ्रो कर रहे हैं और यह चैलेंज या तो बीजेपी कांग्रेस कैच कर ले या बिल्डर कैच कर ले अगर वो पाक साफ है तो। और चैलेंज यह है कि क्या हलफनामा देकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये स्वीकारेंगे दिल्ली की जनता के सामने कि इन तमाम फ्लैटों में से उनकी पार्टी के किसी भी नेता का एक भी फ्लैट नहीं है। ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूं मैं, और इस बात के साबित होने से, सही साबित होने से यह तय हो जाएगा कि 15,000 करोड़ रुपए मिल बांट कर खाए हैं बीजेपी और कांग्रेस ने। क्योंकि जिस प्रकार की जानकारियां आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं के दर्जनों फ्लैटों से। और यही वो वजह है कि जैसे यह खुलासा हुआ, भाजपा और कांग्रेस दोनों को सांप सूंघ गया। तीसरी बात जो हम पूछना चाहते हैं एमसीडी से, कि एमसीडी बताए कि किस मूल्य पर दिल्ली मेट्रो को यह लैंड ट्रांसफर किया गया। इंटरनल रेट्स होते हैं, फ्री में तो होता नहीं है, तो किस मूल्य पे किया गया वो बताए। और दूसरी जानकारी कि प्राइवेट बिल्डर को 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनुमानित कीमत की जमीन का 95 एकड़ का टुकड़ा जो दिया गया, तो वो डीएमआरसी ने प्राइवेट बिल्डर को किस मूल्य पे दिया, किस दर पे दिया, ये डीएमआरसी को भी पब्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में, जमीनों के इस महाघोटाले में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े भूमि घोटाले में भ्रष्टाचार करने वालों की कड़ियां ऊपर से लेके नीचे तक लगातार जुड़ी है, सबने मिल बांट के खाया है, बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, और 95 एकड़ बेचकर साथ में खाई में लगी।